पहली लड़की जिसको आपने पटाया था। What? पर यस यू नो व्हाट द टाइम इज। हर शनिवार को 9-10 बजे के बीच में ये नए सुपरस्टार्स जो दुनिया फॉलो करने लग गई है, ऑब्सेस करती है, इनकी तरह बनना चाहती है, लेकिन सैडली समटाइम्स इट्स वेरी फार एज अ ड्रीम। इनका तो उम्र ही ड्रीम वाला है भैया। 16 साल की उम्र में हम लोग सपने देख रहे थे, इन्होंने दूसरे लोगों का सपना साकार कर दिया। रियाज अली, वेलकम। हाय, हेलो, व्हाट्स अप बड़ी। अच्छा, सही बोला। 2003 2003 is not a year you passed out of college. इतना सब कुछ तुम्हारी लाइफ में इतनी जल्दी हो गया है। अभी हाल ही हम लोग देखते हैं, अभी इंटरनेट की दुनिया में, सोशल मीडिया की दुनिया में, जस्टिन बीबर, यू नो, ऑल द नेम्स एट माइली साइरस, ऑल इंटरनेशनल नाम थे। भारत में कभी कोई ऐसे नाम ही नहीं थे जो बचपन में बहुत बड़े स्टार बन गए थे। यू गाइज हैव हिट स्टारडम एट सच अ यंग एज। कैसा फील हो रहा है? मतलब कि पता था ये 2-3 साल पहले भी कुछ ऐसा हो सकता है? हो सकता है, ड्रीम तो किया था मैंने बहुत पहले। आई स्टार्टेड दिस 3 इयर्स अगो, ये सब करना तो ड्रीम तो था करने का। तो उस समय तुमने मुझे फेमस बनना है उसके लिए किया था या फिर ऐसी कुछ करना है? एक्चुअली मुझे एक्टिंग पसंद थी। अच्छा, मेन थिंग वही है। सो मैंने स्टार्ट किया दस फ्लैश वगैरह, बहुत फेमस थे उस टाइम, तो तब वहां से स्टार्ट किया, फिर करते करते करते। बट रियाज, तुम भूटान में जन्मे हो, बड़े हुए हो, द प्लेस जिसकी हैप्पीनेस क्वेश्चन सबसे ज्यादा है इस वर्ल्ड में, उसको छोड़ के बंबई के इस पोल्यूशन में आना, मतलब मैं पहले तो आपको प्रणाम करती हूँ। क्यों तुमने ऐसे अपने साथ इतना घोर पाप किया? सारे चीज फ्यूचर के लिए किया है ना। तो यू विजुलाइज दिस, क्योंकि तब आपको पता था कि इतना कुछ हो सकता है इसमें? नहीं, तब तो पता नहीं था, तब तो मैं ऐसे ही बनाता था, ईजी करते थे। और बचपन में कौन से एक्टर्स को देख के बहुत चुल मची थी? आई नो शाहरुख वाहरुख सब आपके फेवरेट है, बट कोई ऐसे कोई एक चीज थी जो आपने देखी और आपने सोचा मैं ऐसा करूंगा? कोई फिल्म थी या कुछ? कोई फिल्म तो ऐसी कुछ नहीं थी, मुझे पसंद है एक्टिंग बचपन से। मेरे जो टीचर थे स्कूल के, एलकेजी में, लोअर केजी उसमें मुझे एक टीचर ने कहा, दिस बॉय एक्ट्स वेरी वेल, बिकॉज मैंने बहुत गंदी एक्टिंग की थी स्कूल में। फर्स्ट डे मुझे स्कूल से निकलना था। अच्छा, मुझे जाने नहीं था, क्लास में बैठने नहीं था, तो मैंने एक्टिंग करके निकल गया। बहुत ज्यादा होते रहते हैं। अच्छा, आई लाइक दिस लिस्ट दैट यू लाइक, इसमें सारी लड़कियां बहुत ही खूबसूरत हैं और बहुत ही यंग। इसमें अनन्या पांडे, आलिया भट्ट, कृति सैनन है, जन्नत जुबैर भी है। जन्नत, या वन ऑफ द एक्ट्रेसेस दैट यू लाइक वाज आल्सो टिकटॉक पर। डू यू थिंक ऑफ इट एज अ कम्युनिटी? कई बार एक्टर्स और के बारे में क्या बात की जाती है, बड़े कॉम्पिटिशन रहता है, और अब भी है, इंस्टाग्राम पर भी कॉम्पिटिशन रहता है, टिकटॉक स्टार्स में भी कॉम्पिटिशन रहता है। मेरे ना उस दिन कोई यहाँ पे आर्टिस्ट आया था, हम बोल रहे थे कितने मिलियन। नो नो नो, एक्सक्यूज मी, इतने ज्यादा मिलियन है, एग्जैक्ट अमाउंट के मिलियन है। सारे लोगों को वैसे ही देखता है जैसे वो खुद है, ही इज वेरी कॉम्पिटिटिव। नो नो, ये सब बोल रहा है, बट हैज टू बी, देयर इज ऑलवेज अ लॉट। आप कंपेरेटिव हो फॉलोअर्स को लेकर? नहीं नहीं, मुझे तो अपनी देखनी है सिर्फ। अच्छा, कल जितना था उससे ज्यादा करना है। बट ये मिलियंस और ये सारी जो चीजें जब पहली बार आपके साथ हुई थी, फर्स्ट मिलियन आपका कब हुआ और फर्स्ट मिलियन फॉलोअर, और दूसरा फर्स्ट मिलियन व्यूज वीडियो पर कब हुए थे? फर्स्ट मिलियन व्यूज मेरे एक स्कूल वीडियो पे होते हैं। अच्छा, मेरी डीपी भी अभी फोन की वही है। अच्छा, वो सिर्फ वो वीडियो की है, तब हुई थी मेरी फर्स्ट मिलियन वीडियो पे। और ये कितने साल पहले की बात है? ये एक साल, एक साल नवंबर में हुई थी ये, बस। और नवंबर से लेकर अब तक कितने करोड़ों ज्यादा चीजें बढ़ चुकी हैं, तो उस समय आपको समझ में आया था कि व्हाट इज दिस 1 मिलियन 10 लाख कैसे? नहीं, मैंने तो स्टोरी वाली सब डाल दी थी, थैंक यू सो मच फॉर 1 मिलियन व्यूज एंड ऑल। नहीं, वो हमने भी डाली, हमने भी बहुत सारी स्टोरीज डाली जो पहले हुआ। अच्छा रियाज, मैं ना थोड़ा सा रिवाइंड करना चाहती हूं, क्योंकि अच्छा 19 मिलियन आपके फॉलोअर्स है ना, 19 मिलियन कुछ, तो इसमें कितने जीरोस होते हैं? पहली लड़की जिसको आपने पटाया था, किस उम्र में आप थे और कैसे पटाया था? नहीं, पटाया तो नहीं, पट जाती है वो अलग। हाय हाय, किस उम्र में था बताओ? छोटे में तो छोटे ही हो, बात अलग है। था तब 4-5 साल का था। आपके अनुमान स्कूल में हुआ था? अर्चना, शी इज सेइंग 4-5, तुम 4-5 साल के थे जब तुमने पहली बार लड़की को पटाया था। मैंने नहीं पटाया था, पट गई थी, वो अलग बात है। अच्छा, उस समय क्या हैंड होल्डिंग, क्या क्या चलता था? मेरे डांस स्कूल में डांस हुआ था। अच्छा, रिसेंटली वो मेरी बहन है। वेल डन, बहुत सारी लड़कियां तुम्हारे साथ फोटो खिंचाते टिकटॉक बनाते चिटिंग कर जाती, तुम्हें पप्पी दे जाती। मैंने देखा भी, एक दो वीडियो ऐसे हुए थे, तो उसमें इतना शॉक्ड एक्सप्रेशन इस लड़के का था, ऐसे कुछ
सबसे अद्भुत प्रपोजल जो तुम्हारे लिए आया आज तक, या फिर तुमसे मिलने का ऐसा कोई प्रपोजल, वो क्या रहा? अरे वो एक मेरी मम्मी के साथ मैं इवेंट पे गया था। हाँ। मम्मी को शादी का रिश्ता आ गया। उनको पता था तुम कितनी उम्र के हो? हाँ पता था ना, मेरी बेटी भी इतनी उम्र की, आज शादी कर लेते। मम्मी भूटान में से होता है छोटे छोटे बच्चों की शादी? अरे नहीं नहीं भूटान में नहीं, ये इवेंट हुआ था कलकत्ता में। अच्छा अच्छा, मेरे फर्स्ट इवेंट की बात है। आपको क्या खाना पसंद है? और रियाज को क्योंकि डिजिटल मीडिया में रहना है तो कोई ऐसे पाबंदियां हैं कि अरे पिज्जा ज्यादा मत खाओ मोटे हो जाओगे? Everyday cheat day है। Have you started gymming? You're too young to start gymming. No, मैंने gym start किया था। Gym 14 पे। 14. I was 90 kg. You were 90 What? kgs. Yes. But ये suddenly कैसे फिर suddenly you woke up and you said, अच्छा 3 साल पहले आपने ये videos चालू किए? जब मैं मोटा। तुम मोटे थे और तुम videos बना रहे थे, तो उसमें self मतलब doubt नहीं रहता था? या कई बार लोग होते हैं ना, best डाउट तो रहता था। हाँ। फिर मैंने अगस्त में ना 3 महीने छोड़ दिया था टिकटॉक एंड ऑल एवरीथिंग। अच्छा। तो 3 महीने मैंने फुल वर्कआउट किया। After that I came back। Oh, so did you get negative comments? You get a lot of trolling and all जब आपने स्टार्ट किया था? Because TikTok एक ऐसी भी जगह है, कई बार अगर पसंद नहीं आता तो लोग बहुत पीछे पड़ जाते हैं। ट्रोलिंग तो तब हुई नहीं, बिकॉज फेमस था ही नहीं, कोई देखते ही नहीं था। हाँ, स्कूल में ट्रोलिंग होती थी। अच्छा, क्या बोलते थे पहली बार जब आपने टिकटॉक बनाया तो लोगों ने क्या बोला? ओके, पहले बात हुई क्या बना रहे ये सब मुजरे वाली चीज एंड ऑल दिस थिंग। अब तो लोग आते फोटो खिंचाने, वो अलग बात है। No, but now when you go to school, is it normal? मुश्किल होता होगा ना अभी normal school जाके? नहीं, मतलब आपको क्या बुलाते थे, क्या कैसे चिढ़ाते थे और आपको क्या फीलिंग होती थी? First thing is मोटा, मोटू हाथी and all everything continue. और फिर घर जाके आपको रोना आता था? हाँ। Really? तो मम्मी ने उस समय क्या बोला था, बेटा ये बंद कर दो? नहीं नहीं, मम्मी उसे सपोर्ट नहीं ना, मेन थिंग यही है। You were not into sports and all. आपने यहाँ लिखा है कि महेंद्र सिंह धोनी मेरा favorite है। हाँ, I used to play cricket, but वो मैंने छोड़ दिया because I was fat. Really? नहीं, मैंने 5 years खेला cricket. हाँ, but मैंने last 5 में छोड़ दिया वो। तो सुनो, आप फूडी थे इसलिए मोटे हुए कि आप? मैं बचपन से मोटा था। बचपन से थे? तो खाता भी था, बट खाता बहुत था। तो क्या क्या खाते थे? मोमोज, चाइनीज, सारे चाइनीज फूड मेरा भी फेवरेट है। बॉम्बे में खाते हो भी चाइनीज? हाँ, कहाँ पे? और बाकी अगर तुमने कभी कम बैक किया ऐसे, जब कई बार फैन तुम्हारे पीछे पड़ जाते हैं ऐसे कुछ गलत लिख दिया, रिप्लाई करते हो कि नहीं? नहीं नहीं, मैं इग्नोर करता हूँ उसको। यू जस्ट इग्नोर ऑल ऑफ इट। सबसे क्रेजी फैन मोमेंट जहाँ पे किसी ने आपका कुछ कपड़ा वपड़ा फाड़ दिया, स्क्रैच कर दिया, कब हुआ? अच्छा, नागपुर में गया था इस बार। हाँ? कपड़ा वपड़ा नहीं फटे, बट फुल गाड़ी के पीछे वो नहीं हो जाते रोड शो टाइप। हाँ। हाँ। वो बहुत पता चला कि आप अंदर। हाँ, बहुत मजा आया। When did you realize कि तुम बॉस मेरी लोग फोटो खींचने के लिए आ रहे हैं, ये कब हुआ? ये हुआ, मैं गया था एक मोनेस्ट्री, भूटान में मोनेस्ट्री बहुत फेमस है, तो वहाँ पे कुछ लड़की आई थी, मैं दोस्तों के साथ गया था ऐसे नॉर्मल चिल आउट करने, तो आई फोटो खिंचाने, मैं दोस्तों को उन्होंने रिकॉर्ड भी कर लिया, मेरे पास आया वो रिकॉर्ड, उन्होंने ऐसा रिकॉर्ड किया कि प्रैंक शो चल रहा है। अच्छा। कि कोई आके फोटो खिंचा के जा रहा है। बट तुम्हें रियलाइज हुआ कि यार इतना फेमस हो गया मैं ऐसे टिकटॉक स्टार? हाँ, मुझे तो समझ ही नहीं आता पहले। सो देन डिड यू सडनली से कि भाई अब मैं बन गया हूं, तो अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई रोजाना अच्छे वीडियोस बनाना, अच्छे गाने करना? जैसे तुम लिपसिंग बहुत अच्छी तरह करते हो, मैंने तुम्हारे लिपसिंग करने की बहुत कोशिश की है, नहीं होता है, बहुत मुश्किल हो जाता है, तो तुम्हारे साथ ना ब्लूपर वीडियो हो जाते हैं बड़े सारे, अरे ये तो ब्लूपर हो गया। सो जनरली ये कब रियलाइज हुआ कि अब मैं टिकटॉक स्टार बन गया, मेरे को प्रॉपर्ली करना है इसको? अच्छा, मैं पहले से अपना वो टिकटॉकर समझता था। अच्छा। तो मैं करते रहता था रेगुलर, जब मेरे फर्स्ट 100K व्यूज हुए एक वीडियो पे, तो मैं सोचा हाँ कुछ तो हो रहा है, कुछ चल रहा है, तो मैं करते गया करते गया, मैंने एक दिन नहीं रोका। तो कितने दिन में कितने कर लेते हो मैक्स? मैं बहुत कम बनाता हूँ, मैं 3-4 बनाता हूँ, मैं सिर्फ कंटेंट पे ध्यान देता हूँ। तो ये कंटेंट में तुम अकेले करते हो या तुम्हारे एक अच्छी दोस्तों की टीम है? मैं अकेले करता, भूटान में तो मैं अकेले था। अच्छा, यहाँ मैं अकेले करता हूँ वीडियो सर्च। अच्छा, अभी आपको ना भूटान से कुछ सीखी हुई बातें हमको सिखानी है, बिकॉज वी आई हैवंट बीन टू भूटान येट। अच्छा, क्या सिखाओ? मतलब लैंग्वेज पहले सिखा दो। नहीं, वहाँ की क्या चीज है जो मुंबई करों को या इंडियंस को पहले करनी चाहिए, जो आप लोग करते हैं अच्छे से उसको? सभी करते, प्यार वहाँ पे भी होते हैं यहाँ पे भी होते हैं, बट घचीमो बोलो। घचीमो? हाँ, दिस इज दैट, हेलो। हाँ,
गजीबो इतनी छोटे वर्ड के लिए इतना बड़ा है, जो बड़े वर्ड होते हैं उसके लिए क्या, जैसे बोलेंगे भाई लाइक द बिग वर्ड्स के लिए सबसे बड़ा वर्ड क्या है? मैं तो इंडियन हूं, मुझे भी इतना नहीं पता क्या बोलते हैं उन लोग, अच्छे बोलते हैं जो भी, क्यूट लगता है सुनने में। यू नो लिपसिंग के अलावा यू आर नोन फॉर लॉट ऑफ अदर थिंग्स आल्सो, पर ये जो कमाल के बाल भी हैं, हेयर स्टाइल्स और फैशन ब्लॉगर, ये कब तुमने बनना शुरू किया? ये तो मैंने बहुत पहले शुरू किया, जब इतने से बाल थे। अच्छा, इतने छोटे छोटे बाल थे तब से मैंने कुछ ना कुछ करना स्टार्ट किया था। और जब तुम फेमस हो गए तो ये सारी स्टाइल बन गई? हाँ बन गई। एंड कपड़ों और स्टाइल्स में क्या है रियाज का सबसे इजी चिल्ड आउट तरीका घूमने का? हुडी बेस्ट है। हुडी? हुडी क्यों? हुडी ताकि कोई पहचाने ना? नहीं नहीं नहीं, वहाँ पे भूटान में ठंडी बहुत है ना। तो तुम भूटान में ज्यादा रहती हो या मुंबई में ज्यादा रहती हो? मुंबई में भी शिफ्ट हो गया मैं। अच्छा, टोटली हो गया। सुनो यार, कभी कोई एक्टर के घर के बाहर जाके रुकना ये सब क्या क्या? सलमान भाई के बम्बई में क्या मन्नत, शाहरुख भाई के ऐसे कभी गया क्या वहाँ पे? तो क्या किया? किसी के घर पे नहीं गया? आलिया भट्ट के? नहीं, सारा अली खान के? अभी किसी के साथ? अगर अगर एक्टिंग डेब्यू करना है भी किसी एक हीरोइन को चूज करो जिसके साथ तुम करना चाहोगे? अनन्या पांडे। अच्छा, अगर वो बिजी हो भी डेट्स में तो सेकंड अली खान, वो तो डेफिनेटली बिजी है आजकल कार्तिक आर्मी के साथ। और भी है दीपिका पादुकोण, टू ओल्ड, वेरी ओल्ड माधुरी, मेरे डबल एज की। थैंक यू सो मच रियाज हमारे साथ आने के लिए। थैंक्स।